तो गाइस कैसे हैं, मैं देख सकते हैं मैं छत पे हूँ और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड देखने को बहुत सही मिल रहा है क्योंकि आज देखिए मौसम का हवा तेज चल रहा है बैग ये। और मैं आपको बता दूं कि आप सबने वाई पे ऐप के बारे में जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं वाई पे एक ऐसा ऐप है जो आप तीन एजेस के काम आता है। अगर इस ऐप में फैम पे से बढ़िया ट्रिक है क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं आपको यहाँ पे पहले पैसे आपको रेफर मतलब स्कैन करके QR कोड का कोई झंझट नहीं है। इस वीडियो में आपको यहाँ पर सिर्फ अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना है, मतलब कि बैंक अकाउंट लिंक नहीं करना है, सॉरी, अगर आपको किसी के बैंक अकाउंट में पैसा भेजना तो वहाँ पे अकाउंट नंबर IFSC कोड एंड पैसा सेंड कर सकते हैं। इसलिए मैंने बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे आपको पहला था कि UPI का प्रॉब्लम था, बट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि आप वहाँ से जाके आप पैसा को बैंक अकाउंट किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं बहुत आसान तरीके से। कैसे ऐड करेंगे, कैसे भेजेंगे, पूरा फुल इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। वाई पे पे आ गया हूँ, बट आपको दिखाऊँ मैं UPI का। तो वाई पे जैसे मैं अपना ओपन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वाई पे का लोगो और साथ में साथ यहाँ पे आप देखिए जैसे हमारा ये ओपन होता है तो यहाँ पे आपके सामने कुछ हो। अगर आपने अभी तक इसका क्रिएट कैसे करते हैं अकाउंट नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे देख लीजिएगा, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और यहाँ पे देख सकते हैं या और वाई पे का कुछ ऐसा इंटरफेस है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मनी को ऐड करते हैं, ऐड करने के पहले यहाँ पे हम ऐड करेंगे 11 रुपीज़। तो सबमिट पर क्लिक करेंगे तो डू नॉट बी रिफ्रेश दिस पेज ऐसे बोल रहे हैं, मतलब कि इसे रिफ्रेश नहीं करना है, बैक नहीं होना, नहीं तो आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे लिख रहा है सब कुछ का ऑप्शन आ रहा है, वॉलेट, फ्री रिचार्ज वॉलेट, एयरटेल मनी वॉलेट, उसके बाद सबका भी आ रहा है। तो यहाँ पे हम लेंगे UPI, UPI पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे हम UPI ID लिख देते हैं। तो अब भी UPI अपना अपना लिख लेना, जो अगर पैसा ऐड करना है तो कार्ड से भी ऐड कर सकते हो, बट मैं अभी इससे कर रहा हूँ। तो .fam आगे मैं लिख लेता हूँ IDFC बैंक, जैसे मैंने किया कंटिन्यू। तो यहाँ पे आपके सामने है जैसे यहाँ पे इनवैलिड लिख रहा है सारे से, चलिए IDFC बैंक .fam पे चलिए बैक होके। एक मिनट यार दोस्तों, एक चीज़ कर लेते हैं, हम सबसे पहले हम कॉपी कर लेते हैं, यार ऐसे गड़बड़ हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। तो हम फैम पे से इसका कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से मैं ऐड करने वाला हूँ अपना पैसा। तो जैसे मैं जाता हूँ QR कोड पे, तो यहाँ से मैं स्कैन करके कर लेता हूँ। तो जैसे आता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे QR कोड पे, तो इस पर हम शो कर लेते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं एक बार हम। कॉपी करने के बाद फिर बैक हो जाते हैं, फिर जाएंगे उस ऐप में, ऐप में जाने के बाद यहाँ से फिर हम उसको वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो थोड़ी देर वेट कर लीजिएगा आप भी, तो चलिए वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों बैक पूरा हो चुका है, तो चलिए फिर से हम ऐड पे मनी पे करते हैं। ऐड मनी पे जाने के बाद यहाँ 11 रुपये डालते हैं, डालने के बाद सबमिट पे जैसे क्लिक करते हैं, सबमिट पे जाने के बाद सीधे रेफरल एंड वेट पे क्लिक करेंगे, वेट कर लेने का थोड़ी देर अपने। और मेरे को इंस्टा पर फॉलो नहीं किया, इंस्टा पर फॉलो कर लेना जरूर। और यूजर नेम में विशाल स्टार्ट 2 थी। जैसे मैं जाता हूँ यहाँ पे UPI ID पे, तो यहाँ पे मैंने किया पेस्ट, पेस्ट पे किया जैसे मैं, तो थोड़ी देर वेट टाइम लगेगा तो वेट करना है। और यहाँ यूर पेमेंट इज़ रिक्वेस्ट गया मेरे पास, तो फाइनल रिक्वेस्ट आ गया मेरे पास। तो देखिए यार इसको बैक करेंगे तो कट जाएगा, इसलिए मेरे पे एक ऑप्शन है जो यहाँ से स्क्रॉल करके बैक करता है ना, काटता है ना, कुछ करता है। तो हम जाएंगे अपने फैम पे में, तो यहाँ फैम पे में जाने के बाद हम रुक जाइए थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। और यहाँ पे वेट करने के बाद थोड़ी देर रुक जाते हैं और यहाँ पे हम अपने जाएंगे बैक होके, चलिए बैक हो जाते हैं हम, और बैक हो जाते हैं थोड़ी देर। तो यहाँ बैक हो जाते हैं यार, तो यहाँ देखिए रिक्वेस्ट भी आ चुका है, रिक्वेस्ट आ चुका है 11 रुपये का। अभी 11 रुपये का अभी कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैसेज पे आएंगे, मैसेज पे आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको यहाँ से पे कर लेना है। तो चलिए हम भी पे कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे मैं सेंड करता हूँ, सेंड करने के बाद यहाँ पे अपना यार यहाँ पे UPI रजिस्टर फिर से कर लेते हैं यार। तो चलिए अपने UPI को रजिस्टर कर लेते हैं फटाफट सा। तो ये देखिए मैंने रेफर जैसे क्लिक किया तो मेरा हो चुका है, अब मैं यहाँ से पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है।
चलिए पेमेंट मैं कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे हमारा आएगा, तो यहाँ पे मैंने पे कर लिया, ये बार 11 रुपीज़ मैंने पे कर दिया यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली। तो मैं यहाँ पे OTP अपना डाल देता हूँ, सॉरी मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद आपके सामने कुछ इंटरफेस ऐसे आएगा, तो आपके सामने देखिए गेट परमिशन मांग रहा है। तो आपने क्या करना, सबसे पहले अपना ऑन कर लेना लोकेशन, यार लोकेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, फिर से लोकेशन मांगेगा, बट लोकेशन दे देते हैं। तो चलिए हम पे कर देते हैं, देखिए इस बार पेमेंट हो ही जाएगा, मुझे पक्का यकीन है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों फाइनली हमारा पेमेंट सक्सेसफुल होने वाला है। तो ये सामने देखिए पेमेंट प्रोसेस में है, अभी देखिए आपके सामने पेमेंट हो जाएगा। तो देखिए ये हमारे सामने ब्लू टिक का भी लगने वाला है, तो देखिए ऐड हम करके उसके बाद ट्रांसफ़र भी दिखा देंगे। तो देखिए हमारा ऐड कर लेते हैं, देखिए फाइनली सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए अपने पेज पे, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ देख सकते हैं बहुत अच्छा लोगो है सामने में, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं यार, बहुत अच्छा है। तो इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, लेने के बाद देख सकते हैं फाइनली हमने ले लिया, यहाँ से बैक हो जाता है, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 11 रुपीज़ हमारे पास शो करने लगेगा सामने। तो दिखा देता हूँ आपको मैं 11 रुपीज़ शो करेगा कि नहीं। तो देखिए हम थोड़ी देर रिफ्रेश करते हैं अकाउंट को, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, और यहाँ पे जैसे मैं माई कार्ड पे जाऊँगा उसके बाद फिर मैं बैक होऊंगा, तो सामने शायद से मेरे को दिखने को मिल जाएगा। तो देखिए 11 रुपीज़ हमारे सामने शो होने लगा। अब इसको आपने क्या करना है, आपने भेजना है किसी के पास। तो देखिए जैसे जाएंगे माई कार्ड पे, माई कार्ड पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए टू अकाउंट और टू कॉन्टैक्ट, मैं टू अकाउंट पे जाऊँगा, यहाँ पे जाने के बाद अपने अकाउंट में डाल दूँगा। ये मेरा अकाउंट है, इसका पर मेरा सिम है जो अभी कहीं गुम हो चुका है, बट देखिए ट्रांजेक्शन पे जैसे क्लिक करता हूँ डेली लिमिट इज एक्सक्यूज, इसके लिए मैं वीडियो जरूर लाऊंगा आगे से, तो इसका प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके रहूँगा। तो चलिए आज के लिए फिर मैं तो अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।